हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, एनबीसीसी इंडिया के क्वार्टर टू के नतीजे आए हुए हैं और शेयर 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक भयंकर गिरावट हम इसमें देख चुके हैं। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया की। 24 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, पिछले एक महीने में 6.5% का ग्रोथ है, 22 रुपए का लो यहाँ पे बना था, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से बढ़िया रैली यहाँ पर आई है और 24 रुपए तक शेयर पहुंचा है। पिछले एक साल में 37% की गिरावट है, 40 रुपए तक का हाई था, कोरोना के चलते 15 रुपए पर शेयर आ गया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और देखिए शेयर तकरीबन 30 रुपए के आसपास पहुंचा था, लेकिन उसके बाद गिरावट आई जो इसको 22 रुपए तक लेके गई, लेकिन दोबारा शेयर अब तेजी की तरफ जा रहा है। अभी भी प्री कोविड लेवल तक शेयर नहीं पहुंचा है, अभी भी एक बड़ी रैली की जगह यहां पर बाकी है। 3 साल में 81% की गिरावट, 135 रुपए के लेवल से कंटिन्यू शेयर टूटा ही है। 10 साल की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में एनबीसीसी इंडिया की डेटा अवेलेबल नहीं है। आप देखिए 2012 में इसका आईपीओ आया था, 5 रुपए तक का लो भी था, बढ़िया रैली यहां पर आई थी। 2017 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, 140 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट बनी है वो वाकई में बहुत 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 भयंकर और बड़ी गिरावट है। तो देखिए, इससे एक चीज तो क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल ले, ये वो शेयर है जिसमें आप गिरावट आने पर खरीदारी कर सकते हो, प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट भी आपको कर लेना चाहिए। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,428 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर देखिए, खबर भी आई थी कि एनबीसीसी साइन एमओयू पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड पार्सल्स, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के साथ एक बड़ा इन्होंने एमओयू साइन किया, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है इनके लिए। वॉल्यूम ट्रेड काफी उतना हाई नहीं है, 43 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में हमें देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करने जाए इनके नतीजे के बारे में तो डेफिनेटली अच्छे नतीजे आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में तकरीबन 45 करोड़ के आसपास का इसको मुनाफा हुआ है, जो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो मुश्किल से 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उससे पहले तो 100 करोड़, पिछले साल 100 करोड़ का नुकसान था। तो प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखिए, पहले 0.09 था, अब बाद में माइनस में 5.25 रहा, अब एटलीस्ट शेयर पॉजिटिव में पहुंचा है। और अच्छी बात है कि इनके नेट सेल्स भी इंप्रूव हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले इनके नेट प्रॉफिट जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, लेकिन एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने बिकवाल की है, 3.88% की होल्डिंग 2.92% पर आ चुकी है, मतलब एफआईएस ने एक बड़ी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड की 4.49% की होल्डिंग 4.26% पहुंच चुकी है, तो म्यूचुअल फंड ने भी कहीं ना कहीं बिकवाली जरूर की है। सरकारी कंपनी है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले प्रमोटर है, 61.75% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 15 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 73 FIIs का भी यहाँ पर पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में आपको एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, LIC 6.55% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.24% के आसपास देखने को मिली है, और पिछले साल 65% का डिविडेंड पे किया था, मतलब 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल सितंबर महीने में पे किया था। इस साल अभी भी कोई बड़ी अपडेट डिविडेंड को लेकर नहीं आई है। एनबीसीसी इंडिया की अगर मैं बात करने जाऊं तो एनबीसीसी इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी भी शानदार है। रीजन ये है कि जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उनमें काफी बड़े राहत पैकेज की बात हुई, जिसमें कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनको एक राहत मिल सकती है, और एनबीसीसी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो डेफिनेटली इनको भी कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस और एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत मिलने के चांसेस ज्यादा है। और एक चीज हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी चाहिए कि कोरोना के चलते इनके प्रॉफिट्स में कमी जरूर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऑलरेडी हम लोग अनलॉक के फेज में आ चुके हैं, अब इनका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के चांसेस काफी ज्यादा है,
और कोई भी आपको यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं देगा। हर कोई अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग आपको सिर्फ और सिर्फ बाय करने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट एनबीसीसी के पास है, चाहे वो आम्रपाली का हो या फिर वो जेपी के प्रोजेक्ट हो, और उसके अलावा भी अपने खुद के भी कई सारे प्रोजेक्ट है जो बैलेंस शीट है इनकी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट इनके पास है। तो उतनी ज्यादा पैनिक की सिचुएशन तो यहाँ पर मुझे नहीं लगती है, और कंपनी ने हर क्वार्टर में अच्छा मुनाफा कमाया भी है। पिछले क्वार्टर में हालांकि थोड़ा सा कम था, लेकिन अब धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सितंबर से ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो वक्त होता है जहां पर लोग घर की खरीदारी ज्यादा करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन्हीं वक्त में कंप्लीट होते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही कहूंगा मैं एनबीसीसी इंडिया के लिए। तो अभी तो मेरी यही सलाह रहेगी एनबीसीसी में कि देखिए जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आने वाले दिन में और ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, पहली चीज पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में हो और अगर शेयर यहाँ से 5-6 रुपए और दौड़ जाता है तो चाहे तो आप उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप नुकसान में हो तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। पैनिक में आकर यहाँ से एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि बने रहे, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो, अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो ऐसा मत करिए कि एक ही प्राइस पर आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। हमेशा अभी के वक्त में जब मार्केट अनस्टेबल है तो एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, पहले 100 खरीदिए, फिर वेट करें गिरावट आए और 100 क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें गिरावट आए और 100 शेयर की क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप एक ही प्राइस पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं गिरावट आने पर आप किसी एक प्राइस रेंज में फंस के रह जाते हैं और आपको तब अफसोस होता है। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि एक बड़ी क्वांटिटी एक लेवल पर फंसाने की जरूरत नहीं है। ये सोच है खरीदारी करो कि गिरावट आने पर आपके पास पैसा होना चाहिए इसको एवरेज करने के लिए। तो इसलिए एवरेजिंग आपको करना है, ये सोच कर ही खरीदारी करो। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी हाल फिलहाल में। लेकिन हाँ, अच्छी क्वालिटी का शेयर है और ऊपर जाने का दमखम है, शॉर्ट टर्म में मुझे 27 का टारगेट और लॉन्ग टर्म में कम से कम 35 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मेरी बने रहने की सलाह होगी यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में टुकड़ों में अगर आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा यहाँ पर। तो इसके साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।